हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं थर्ड शिफ्ट के, और इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं इसमें, जीके के, करंट अफेयर के, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ है। और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो पहुँचती रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मैक्सिमम लाइक करेगा। आज देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत सारे मतलब बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करें ना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है। आपका ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई डू वॉट आई डू बुक किसकी है, ये आपका रघुराम राजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपके दीपक मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस नोट के ऊपर बना होता है, यानी कि कितने के नोट के ऊपर बना होता है। ये आपका 200 रुपए का जो नोट होता है उसके, यानी कि जो अभी आया है नया, इसके ऊपर आपका सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वीरेंद्र सहवाग के बाद किस भारतीय बैट्समैन ने टेस्ट में 300 रन बनाए, आपका करुण नायर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शोले मूवी में गब्बर का रोल किसने निभाया था, ये आपका अमजद खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आज पूछा गया है, तो आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक में भारत की रैंक कौन सी है, 133वीं, तो इसको भी याद रखिएगा। ये पहले आपका ALP टेक्नीशियन में बहुत पूछा गया, अभी शायद ये आपका फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हॉकी में सबसे कम उम्र में गोलकीपर बनने वाला, देखिए गोलकीपर है ठीक है, बनने वाला खिलाड़ी केविन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लारेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभी दीपिका पादुकोण है, ठीक है। ये कई बार इसके चेंज हो चुके हैं बट अभी करंट में जो है दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट आपका, मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है, तो आपका मुकेश अंबानी और रिलायंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से। नेक्स्ट आपका, फिल्म फेयर 2017 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला, ये आपका आमिर खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए फिर दोबारा से आपके जो बाहुबली मूवी है उससे फिर से दोबारा से पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन, आज दो क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपका, बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का रोल किसने किया था, ये आपका राणा दगुबति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI के चेयरमैन भी पूछा गया है, रजनीश कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी, ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ये थर्ड शिफ्ट के नहीं है, कभी आप बाद में बोले मुझे कि ये क्वेश्चन तो नहीं आए थे, ये नहीं आए थे, ठीक है, तो ऐसे कमेंट मत किया करें। जो आपको क्वेश्चन पता है तो वो आप कमेंट कर दिया करें, ताकि कि दूसरे बच्चे का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक था, ऑपरेशन इंसानियत किससे रिलेटेड है, आपका बांग्लादेश में चलाया गया था ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है। प्रोपेन का सूत्र यहाँ पे पूछा गया था, तो C3H8 राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ पावर यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था आपका शायद, ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसकी निगेटिव लेंथ निगेटिव होती है, ठीक है, फोकल लेंथ, तो ये आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए आपका, ये दोबारा से रिपीट हो गया, जड़त्व का नियम किसने दिया था, ये आपका न्यूटन ने दिया था। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। देखिए क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डेली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इतने रिपीट नहीं होते हैं, तो ऐसा रिपीट हो रहा है कि जैसे आज आपका जो क्वेश्चन पूछ लेगा वो 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से पूछ ले जा रहा है। तो आप जो प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF है सारी की सारी, हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा अगर आप सारे के सारे एनालिसिस देख के जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एलिमेंट नंबर 57 किस समूह से संबंधित है, आपका ब्लॉक F में आता है, ठीक है, तो आवर्त सारणी से आपके पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। लार में एंजाइम मौजूद है आपका, एक तो होता है पटालिन और एक होता है लियोजीमस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है आपका टंडन होता है, देखिए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है टंडन और मसल्स को हड्डी से जोड़ता है आपका लिगामेंट, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये शायद क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी मैं आपको इसके साथ में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनको भी, ठीक है। ये बिल्कुल रियल 100% जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, सारे के सारे रियल है यार, ऐसे मत बोला करो, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला है, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपका जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाहुबली मूवी के डायरेक्टर मैंने बोला था कि पहले सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, SS राजमौली, ये सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सिकंदरा यानी कि आगरा में जो है, में किसका मकबरा बना हुआ है, अकबर का बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है। फोर्स की SI यूनिट यहाँ पे पूछी गई है आपकी, न्यूटन, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये वही आ गया ऊपर, 6 अगस्त आपका 1952 में, ठीक है। यकृत किस सेल से बना हुआ है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। GT रोड का निर्माण किसने कराया था, ये मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस देख लेना, और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे पता चल जाएंगे। शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DMK एंड RDMK क्षेत्र पार्टी किस राज्य से संबंधित, आपका तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का फिटनेस एक्टर अवार्ड किसको मिला था, अक्षय कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर की SI यूनिट यहाँ पे पूछी गई थी, तो ये आपका पास्कल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपका शायद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये है अमरकोट पाकिस्तान में जो पड़ता है, और इसका जो जन्म हुआ था अकबर का 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो आई थिंक ये अकबर ने ही की थी। देखिए अकबर से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार अकबर से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, और जिनके आगे आने वाले एग्जाम है ना, तो वो तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल रिपीट होना हो बट आगे तो जरूर होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब रीजनिंग की, सॉरी मैथ की कर लेते हैं पहले, मैथ के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए एक ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये मैंने नहीं कराया था अभी तक, तो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए जब भी इस तरीके से पॉइंट में वैल्यूज होती हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये टाइम एंड वर्क का है। यहाँ पे दे रखा है कि ए इस काम किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, 10.8 डेज में, बी 21.6 डेज में कर लेता है, और सी 18 डेज में कर लेता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि उस काम को, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप ये बताइए मुझे, मैं इसको 10.8 डेज को ऐसे लिख सकता हूँ, 108 अपॉन, मतलब कि पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लगा लूंगा, इसमें भी पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लगा लूंगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने इतना ही काम किया है, और ऊपर तो सब कुछ वैसे ही करना है आपको। अभी थोड़ी देर के लिए इस 10 को भी भूल जाइए, इस 10 को भी, तो 108, 216 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना एलसीएम आएगा यहाँ पे, 216 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 216 आपका जो एलसीएम आया है, अगर मैं इसको 108 से डिवाइड करता हूं, तो कितना कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई अब आप 10 में कर दीजिए, तो यहाँ पे ये एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है, ए जो है वो एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है, और 216 को 216 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 आएगा, तो यानी कि बी एक दिन में 10 यूनिट वर्क करता है। 216 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि सी एक दिन में 12 यूनिट वर्क करता है। अब पूछा कि तीनों मिलकर अगर इस काम को करे, टोटल वर्क को, तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 216 को इससे यानी इन्हें सभी को प्लस करेंगे, कितना होगा, 20, 30 और 42, यानी कि 42 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा आपका ये यहाँ पे, यानी कि पूरा 5, तो आपका पूरा कंप्लीट आ जाएगा, फिर 6/42 बचेगा, तो 6 से एक बार जाएगा, 7 बार चल जाएगा, यानी कि 5 सही, 1/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, तो मैंने तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा सिखा रखा है कि 10 में करता है, बी 20 में करता है, और सी 30 में करता है, तो ऐसे अगर यही फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलसीएम आप लीजिए सिर्फ ऊपर ऊपर वाली अमाउंट का, यानी कि जो भी ऊपर होगी, ठीक है, जब फ्रैक्शन में लिखे 108/10, तो आपको ऊपर वाली का एलसीएम लेना है, ठीक है। और ऊपर वाली का एलसीएम लेने के बाद में देखिए इसको हम 108 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 10 में करिए और यहां पे लिख दीजिए, तो ए एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो करने हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका ये कि 25 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, एक नया लड़का आने से औसत 1 किलोग्राम में बढ़ जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना है। तो यहाँ पे देखिए 25 लड़कों का कुल वजन कितना होगा, 50 की गुणा 25 में कर देंगे, 1250 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक लड़का आया और उसके आने से
जो औसत वजन है वो कितने से बढ़ गया, 1 किलोग्राम से। तो यहाँ पे एक नया लड़का है, इसका मतलब 25 से बढ़ गया, कितने हो गए, 26 लड़के हो गए। तो 26 लड़कों का कुल वजन कितना होगा भाई, अब औसत भी तो एक से बढ़ गया ना, तो ये आप 50 से 51 कर देंगे, तो 51 की 26 में मल्टीप्लाई करेंगे 1326, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 76 आ जाएगा, यानी कि वो लड़का 76 किलोग्राम का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक होती है जिसमें आपको कुछ भी ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, 50 और 26 आपको सीधा प्लस करना है और राइट आंसर लिख देना है। इसका रीजन ये है, एक बार छोटा सा चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर समझ गए तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये मान के चलिए कि एक नया लड़का आया, और एक जो नया लड़का आया अगर वो 50 किलोग्राम ही वजन लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे, एवरेज तब भी उतना ही रहता, बस एक ऐड हो जाता, 26 हो जाते और अभी भी एवरेज उसका यानी कि 50 ही रहता। एवरेज कब बढ़ेगा, जब वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा। एक्स्ट्रा कितना लेके आया, उसने 1-1 किलोग्राम से सभी का वजन बढ़ा दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, 50 तो वो अपने साथ में लेके आएगा ही आएगा, फिर एक्स्ट्रा कितना लेके आया, वो एक्स्ट्रा लेके आया 1-1 किलोग्राम सबका बढ़ाया, यानी कि खुद का तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, 25 का और बढ़ाया, तो 26 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा, 50 और 26 को प्लस करेंगे तो 76 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, और देखिए मैथ के इतने क्वेश्चन क्यों नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यार मैथ के जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे मुझे बता देना कि आप कितने क्वेश्चन याद रख पाएंगे। बहुत मुश्किल से बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद में 5, 6, 10 जितने भी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके लेकर आता हूँ, बिल्कुल रियल होते हैं, इनमें कोई भी डाउट मत किया करें, ठीक है। आपका एग्जाम पूरे इंडिया में चल रहा है तो शायद आपकी शिफ्ट में ना पूछे गए हो 1-2 क्वेश्चन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, एक आदमी ए को 3000 रुपये 6% की दर से 2 साल के लिए देता है, यानी कि एक आदमी ने ए को 6% की दर से 3000 रुपये दिए, फिर वही अमाउंट ए ने बी को दे दिए, और उसने बी को कितने पे दिए, 9% की दर से। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि पहले इसका 6% निकालेंगे और फिर इसका 9% निकालेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट परसेंटेज का डिफरेंस देखिए 3% का, तो सीधा सीधा ए को 3% का जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3000 का सीधा सीधा 3% निकालिए, और 2 साल का, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए अमाउंट दी है और इसने भी आगे 2 साल के लिए ही दी है, तो कितना आएगा, 90, तो 90 एक साल का है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, आपका 180 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका कि ए और बी की आयु का रेशो आपका यहाँ पे दे रखा था 5:4, 3 साल बाद उनकी आयु का रेशो दे रखा था 11:9, बी की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा चेंज था। तो यहाँ पे कैसे करना होता है भाई, ए और बी की आयु का रेशो दे रखा था 5:4, और दोस्तों बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को लगातार अभी देखते रहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखिए, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है आज मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा ए बी की आयु, ठीक है। इसमें तीन साल बाद का रेशो दे रखा है 11:9, तो 3 प्लस कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई, आपकी समझ में आ रहा है ना। ए और बी का आयु का रेशो 5:4 है, तो यहाँ पे इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 5x और 4x, 3 साल बाद का रेशो ये है, अगर मैं इनमें 3-3 प्लस कर दूँ तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। बस आपको यही छोटी सी इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 9 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 45x, और 9 की 3 में करेंगे 24, 11 की इधर करेंगे तो 44x, और 11 की 3 में करेंगे तो 33। यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेकर जाएंगे तो x बच जाएगा, 45x माइनस 44x हो जाएगा, तो कितना होगा, x ही बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6। यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई है, और आपको पता है कि b का जो प्रेजेंट में आयु है वो कितनी है, 4x है, तो x की जगह आप 6 रख दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो b की एज कितनी आ जाएगी, 4 × 6 करेंगे तो 24 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में था, तो मैं आपको इसी फॉर्म में समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे दे रखा था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 80 दिन में कर लेता है। यहाँ पे जो सिचुएशन थी इसमें वो देख लेते हैं, दोनों काम शुरू करते हैं, ठीक है, 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, 3 दिन बाद ए काम को छोड़ 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है 5 दिन के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस 5 दिन के लिए छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 80 रह जाएगा, ठीक है, 80 हो गया, तो एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे, 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में 20 वर्क करता है, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। इन्होंने दोनों ने काम शुरू किया और 3 दिन तक तो किया, इसका मतलब 3 दिन तक तो कार्य इन दोनों ने किया होगा,
भाई 3 दिन तक दोनों कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट वर्क करते हैं, ये हो गया 5 यूनिट वर्क, और 3 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 यूनिट वर्क, यानी कि 15 यूनिट वर्क तो इन दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो 80 में से 15 माइनस कर देंगे, बचा कितना 65। अब इस 65 में 5 दिन अकेला बी कार्य करेगा, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी पर चला गया ए, तो अब 5 दिन में बी कितना करेगा, एक दिन में एक करते तो 5 दिन में 5 करेगा, तो 65 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 60। अब फिर दोबारा से ए आ जाएगा, ठीक है, ए आने के बाद में फिर एक दिन में 5 यूनिट वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 टाइम ये चला जाएगा। तो अब पूछे कि टोटल कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये पूरा का पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो भाई 3 दिन तो इन्होंने शुरू में दोनों ने मिलकर किया था, फिर 5 दिन अकेला बी ने किया बीच में जब ए छुट्टी पे चला गया था, और उसके बाद ए के आने के बाद में फिर 12 दिन इन दोनों ने किया, तो टोटल टाइम देख लीजिए जोड़ करके इनके कितना हो रहा है, 3 5 12 तो कितना हो जाएगा 20, ये 20 डेज में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं शायद मैथ के, वो बीच में मिक्स हो गया सारे के सारे, मैं जल्दी में वीडियो लाऊं बना के, बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं जल्दी से वीडियो बना के लेके आऊँगा। मैथ के अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं शायद, वो बाद में देखने को मिलेंगे, और सारे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे मैथ के और आपके रीजनिंग के, जितने भी जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, पहला कथन था कि कथन निष्कर्ष से सभी कॉपी किताब हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल रबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे, सभी कॉपी जो है वो किताब है, तो सभी की सभी कॉपी आपकी किताब कैसे बनेगी इस कंडीशन में, बन गई। कोई किताब पेंसिल नहीं है, जो किताब है वो पेंसिल नहीं है, तो यानी कि आपने पेंसिल का जो वेन डायग्राम बनाएंगे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है, तो अलग ही एक पेंसिल का वेन डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, पेंसिल नहीं है। सभी पेंसिल रबर है, तो पेंसिल सभी के सभी पेंसिल रबर है, तो पेंसिल के ऊपर को आपको क्या आ जाएगा, रबर का एक वेन डायग्राम आ जाएगा। तो 2 वेन डायग्राम आपके सामने बन के आ गए हैं, तो इनसे देख लीजिए निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है। कोई रबर किताब नहीं है, भाई किताब और रबर के बीच में कोई रिलेशन बताया तो नहीं गया, बट नहीं का भी रिलेशन नहीं बताया गया कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पे ये राइट लगा सकते हैं, ठीक है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि ये जो रिलेशन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं, क्या पता ये वेन डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है, क्योंकि किताब और पेंसिल का नहीं का रिलेशन है, रबर के साथ में कोई नहीं का रिलेशन नहीं है, तो आपका ये वेन डायग्राम कुछ ऐसा भी बन सकता है ना, ठीक है। तो ये आपको खुद में सोचना है कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम नहीं का कोई भी रिलेशन इनके बीच में नहीं बता सकते। और सबसे मेन चीज ये है, अगर यहाँ पे किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो हम उनके बीच में कोई है का रिलेशन भी नहीं बता सकते कि उनके बीच में रिलेशन है, और कोई उनके बीच में ये भी नहीं बता सकते कि उनके बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दूसरे वाला है कुछ कॉपी रबर है, तो आपका कॉपी और रबर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कथन है यहाँ पे कुछ पे भोजन है, कुछ पे आपका भोजन है, ठीक है, सभी भोजन मीठे हैं, तो आपका क्या बनेगा, कुछ पे, ये पे आपने बनाया और कुछ पे आपका ये भोजन हो गया, ठीक है। फिर सभी के सभी भोजन मीठे बताएं, तो सभी के सभी भोजन आपके मीठे हो गए। तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, कम से कम कुछ मीठे पे हैं, तो कुछ मीठे पे हो सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो ये भोजन आया है कुछ वाला, ठीक है, वाली कंडीशन, और सभी के सभी भोजन जो है वो मीठे हैं, तो कुछ पे भी कुछ हो सकते हैं मीठे, ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ में, इतना कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट था सभी पे मीठे हैं, तो सभी पे तो मीठे हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे, सभी के सभी पे मीठे कब होंगे, जब ये इसके ऊपर को आ जाएगा मीठे वाला डायग्राम, तो ये भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि पहला राइट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक वेन डायग्राम आपको बताना था कि अपराधी, जज और चोर के बीच में वेन डायग्राम बताइए। मैं आपको एक चीज और दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, शायद आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ पे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तो ये किस शिफ्ट में आया है ये मुझे नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करें, इन चीज़ों को बोलने में बहुत जल्दी करते हैं कुछ बच्चे, तो कमेंट करने में, गंदा कमेंट करने में स्पेशली, वो परमानेंट के लिए ब्लॉक भी हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ये कमेंट करते हैं ना ऐसे, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करें, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद, और जो हमेशा लाइक करते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे अपराधी, जज और चोर का वेन डायग्राम आपको बताना था, तो यहाँ पे देखिए जो चोर होगा वो हमेशा अपराधी तो होगा ही, ठीक है, तो ये सभी के सभी चोर अपराधी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बट जज एक अलग चीज है, तो ये तो जज का इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो कुछ इस टाइप का आपका ये वेन डायग्राम बनना था, ठीक है, यानी कि चोर
सभी के सभी चोर अपराधी हो सकते हैं और जज एक अलग हो गया, मतलब कि इस तरीके का ये तीन कंडीशन आपकी बननी थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ये पूर्व धारणाएं के भी देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कथन, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब भी मैं परेशानी में होता हूँ, अब इसे रियलिटी और इसे मतलब थोड़ा सा लॉजिकली लेके चलना, मतलब रियलिटी में मत लेके चलना, ठीक है ना। तो मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। ठीक है, पूर्व धारणा यहाँ पे क्या कहे, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। भाई जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है हमें वो ही याद आता है ना। ठीक है, तो शायद हमारा यहाँ पे हो सकती है बोला गया है, तो सबसे मेन चीज़ तो ये है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, कभी भी आप सोच के देखिएगा, प्रॉब्लम हल हो सकती है बोला है, अगर यहाँ पे बोला जाती प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो वो गलत हो सकता था, बट ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है, तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है ना, मतलब बोलते नहीं कि हमारा पूजा करना एक कर्तव्य है, धर्म है, तो ये चीज ये आपका कथन से रिलेट नहीं कर रहा है, बट पहले वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है हम उसको ही याद करते हैं। ठीक है ना, तो वो भगवान भी हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेशल से कथन दिया होता और उसमें नीचे फिर स्पेशल से कोई आपका एक अलग से मान लीजिए किसी का नाम दिया होता तो वो भी आपका राइट हो सकता था। समझ रहे हैं ना, आपको मतलब कथन दे दिया जाता और स्पेशल किसी का नाम मेंशन कर दिया जाता उसमें, तो आपका ये राइट हो सकता था वो कंडीशन भी। ठीक है ना, क्योंकि कथन निष्कर्ष में हम रियल लाइफ में नहीं जाते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अयोध्या का विवाह 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है। ठीक है, जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे दिया क्या गया है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना कि अयोध्या का विवाह 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये काफी पुराना है। ठीक है, काफी लंबा समय से है। ठीक है, तो यहाँ पे अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी तभी इतना लंबा ये है। ठीक है, दूसरा है समस्या के हल में लंबा समय लगेगा, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेटमेंट ही बोल दी ना, जो स्टेटमेंट बोली गई थी वही आपका यहाँ पे पूर्व धारणा बोल दी गई है, तो ये आपका राइट नहीं होगा, बिकॉज इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट में बोला गया वही यहाँ पे कंक्लूजन में दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी कंक्लूजन को डायरेक्ट वे में बोल दिया जाता है वो हम उसको कभी भी राइट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पता चले हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे है आपका -1038 15, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस सीरीज को कैसे पूरा करेंगे, तो -1 है से 0 पे पहुंचा, इसका मतलब +1 हो रहा होगा। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट 3 आया तो +3, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 से आपका 8 में जाएगा तो +5 होगा, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट फिर दोबारा से हो गया, फिर 2 का करेंगे तो 7 प्लस कर देंगे और फिर 2 का प्लस करेंगे तो आपका 9 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 24। तो इस टाइप की बहुत सारी सीरीज आ रही है, बहुत ही सारी मतलब, तो एक दो पता चलती है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, 1939 79 158, इस तरीके से दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका क्या है, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 4 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 8 और 8 में +1, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई 2 + 1 19, मल्टीप्लाई 2 + 1 39, मल्टीप्लाई 2 + 1 आपका 79 और मल्टीप्लाई 2 + 1 158, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी मतलब आपका राइट आंसर तो 9 हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने सोचा लास्ट वाला बताना था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि विक्ट्री को अगर YLFWRUB लिखा जाता है तो फेलियर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इनमें आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये किस नंबर पे आते हैं। ठीक है, V किस नंबर पे आता है, I किस नंबर पे आता है, अगर ये आपको याद नहीं है, मैंने आपको हमेशा एक वीडियो में हर एक वीडियो में बता ही रहा हूँ कि इनके नंबर याद होने चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, अगर याद है तो बहुत ही जल्दी आप कैच कर जाएंगे कि ये इसका ये कोड कैसे बना है। जैसे अभी यहाँ पे +3 चल रहा है, सभी
में प्लस थ्री कर दिया गया है सभी के सभी वर्ड्स में, तो आपका नेक्स्ट ये YLFWRUB मतलब कोड बन गया है, ठीक है। तो V में प्लस थ्री करेंगे तो Y हो जाएगा, I में प्लस थ्री करेंगे तो L, C में प्लस थ्री तो W, T में प्लस थ्री तो आपका R, O में प्लस थ्री तो आपका U, और सॉरी हाँ R में प्लस थ्री तो U, Y में प्लस थ्री तो आपका B। तो इस तरीके से प्लस थ्री वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो नीचे भी आपका फेलियर जो लिखा हुआ है इसमें भी प्लस थ्री कर देंगे, तो F में प्लस थ्री किया तो I बन गया, A में प्लस थ्री करेंगे तो D आ जाएगा, I में प्लस थ्री करेंगे तो L, L में प्लस थ्री करेंगे तो O, और U में प्लस थ्री करेंगे तो X, और सॉरी R में प्लस थ्री करेंगे तो U, और E में प्लस थ्री करेंगे तो H। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IDLOXUH राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ड्रिंक को अगर JMHQ लिखा जाता है तो यहाँ पे चल रहा है माइनस वन, ठीक है, यानी कि इससे पहले वाला वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका। सॉरी दोस्तों, वो वाला क्वेश्चन आपका कुछ गलती से लिखा गया है, ठीक है, शायद बताते टाइम किसी बच्चे ने गलती कर दी, जो भी हो गया, बट वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा वो मत करिएगा, हाईलाइट मत करिएगा उसको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता है उस पर ही कमेंट करेंगे, तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको उस पर कमेंट मत करिएगा, जो भी क्वेश्चन था वो रॉन्ग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चक्र मतलब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मैथ के, जल्दी जल्दी में बहुत ही जल्दी में वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है यार, आप थोड़ा सा समझा करें, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि एक तो क्वेश्चंस लेके आना मतलब एकदम वीडियो बनाना थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है वीडियो आने में भी, और ये सब कुछ थोड़ी बहुत जो गलती होती है ये भी इसका ही रीज़न है कि जल्दी वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष में के अंत में, अब ध्यान दीजिएगा चक्रवर्ती ब्याज का बता रहा हूँ मैं, पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये की राशि हो गई, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये हो गए और दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और ईयर का डिफरेंस कितना है 1। आप मुझे ये बताइए जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगता है वो कोई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर होता है, नहीं होता ना। सेकेंड ईयर में जाके इंटरेस्ट पे मतलब आपका डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उस पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में आपकी एक फिक्स अमाउंट रहती है वही आपकी लगती जाती है। तो इसका मतलब जो 20 रुपीज लगे होंगे ये यहाँ से आज तक बढ़ के आए हैं, ये किस पे लगे होंगे, ये 200 पे लगे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीमेंट जो हुआ है ये किसका हुआ है, ये आपका इससे इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है पहले अंत के 200 थे और दूसरे वर्ष के अंत में आपका 220 हो गए, तो 20 का जो इंक्रीमेंट हुआ ये 200 पे हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बस पूरा क्वेश्चन मिल गया है, अब आपको SI का जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, क्योंकि हमें एक ईयर का इंटरेस्ट भी मिल गया है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल गई है, और आपको निकालना क्या है इसमें, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर आपको निकालना है। तो ऐसा ही यहाँ पे आपका कितना हो गया 20, ठीक है, 200 आपका प्रिंसिपल है, आर आपको निकालना है, ईयर कितना है 1 और अपॉन में 100 कर देंगे तो ये आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20 से 20 जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आर बराबर, यानी कि 2R बराबर, ये 2 भी तो है ना, 2R बराबर कितना हो जाएगा 20, तो इससे कट करेंगे तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से भी देख लेते हैं, दो रेलगाड़ी की चाल क्रम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों रेलगाड़ी एक समान दिशा में जा रही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक जो आदमी बैठा है रेलगाड़ी में, ठीक है, ये मान लीजिए बैठा है, और ये तेज गति वाली रेलगाड़ी इसमें बैठे व्यक्ति को कितनी 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो अब आपको क्या ध्यान देना है, ये जो रेल में बैठा आदमी है ना, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस गल की लंबाई को भूल जाना है, ठीक है, और जो इसमें ये स्पीड है ये समझिए इस आदमी की स्पीड है, ठीक है ना, क्योंकि जब रेल हमें पार ही से करना है, पूरी ट्रेन को पार करने की हमें देखना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ इससे ही मतलब होना चाहिए। अब जो चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समझिए आदमी की चाल है, ट्रेन की चाल नहीं, आदमी की चाल है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं भाई, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, इतना तो पता है ना आपको, तो दोनों की डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 20। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, और जो आपकी जो लेंथ दे रखी है
जो यहाँ पे टाइम दे रखा है सेकंड में दे रखा है, इसका मतलब आपको जो लेंथ निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तेज गति वाली रेलगाड़ी की, तो उसकी आपको लेंथ निकालनी है वो मीटर में, तो इसको आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 20 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो ये 50/9 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड वन और स्पीड टू, यानी कि स्पीड टू ये किसकी माने, ये आदमी की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की नहीं है। अगर ट्रेन को पार करते, कंडीशन समझिए दोनों की दोनों, अगर आदमी को पार कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन सिर्फ फास्ट वाली ट्रेन का ही आपको लेनी है, अगर किसी ट्रेन को दूसरे वाली ट्रेन को पार करना था तो लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन भी आपको लेनी थी, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन भी आपको लेनी थी, दोनों की लेंथ प्लस करके जब इनकी स्पीड से डिफरेंस से डिवाइड करना था। बट अभी यहाँ पे एक आदमी को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ आपको इस आदमी को क्रॉस करने पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम बराबर एल अपॉन एस वन माइनस एस टू हो जाएगा, तो 5 सेकंड है आपका, एल आपको निकालना है 50/9 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 तो ऊपर चले जाएगा एल के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बराबर L × 9/50, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9L ये हो जाएगा, ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई एल में तो 9L, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, तो एल बराबर 250 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा आपका लेंथ 27.78 मीटर की ये ट्रेन हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते थोड़े से ये जो टॉपिक है आपके, देखिए लगातार आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में तो लास्ट वाली शिफ्ट में शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्ड मास से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है भाई, और जिनके आगे नंबर लिखे ना क्वेश्चन ऑफ नंबर, इन पे मतलब ध्यान मत दीजिएगा, कहीं से अलग पूछे जा रहे हैं कहीं पे अलग पूछे जा रहे हैं, बस आप टॉपिक देख लीजिए, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, और इसमें कोई देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगर आप डेली एनालिसिस भी देख रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन मैं डेली आप इसको करा ही रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान चैप्टर है, इजिली आप कर लेंगे कैसा भी क्वेश्चन हो, पाइप एंड सिस्टम के भी आप इजिली क्वेश्चन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज मेंसुरेशन पाई चार्ट, ठीक है, आज आपका ग्राफ वाला भी पूछा जा रहा है, पाई चार्ट वाला अभी 2-3 दिन पहले मतलब स्टार्ट हुआ है पूछे जाना, अब बार ग्राफ वाला भी आने लगा है, ठीक है, तो उसकी भी मैं एक दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, या फिर एनालिसिस में ही एक दो क्वेश्चन ऐड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। मेंसुरेशन होगा, पाई चार्ट हो गया आपका, SICI से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी मैथ की बात, रीजनिंग की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन और आपका कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा पूछा गया आज, और इस लॉगिन वाला, इन दो चैप्टर को भी आपने कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये तीन भी, तो आपका समझिए बहुत अच्छे से रीजनिंग में स्कोर कर पाएंगे, और स्कोर करना बहुत जरूरी है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिला सकता है, रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका बहुत ही आसान पूछा जा रहा है, मैक्सिमम बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं कि आपका पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि रीजनिंग जितनी मैंने पढ़ाई उसमें से आ रही है, प्लस मैथ के जो भी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने सारी वीडियो देख रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम से आपका डेली 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन दोनों से है, सीरीज आपका 1 से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम मैंने आपको बताई थी, मिरर इमेज होगा, काउंटिंग फिगर से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो, अगर आपके थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आशा करता हूँ कि आपने लाइक का बटन अभी तक तो दबाई दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो यार दबा दीजिएगा, कोई भी इसका पैसा नहीं लगता, नहीं मुझे मिलता है, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए कि कहीं ना कहीं हाँ मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूँ और आपकी हेल्प हो भी रही है, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, अगर आपके टेलीग्राम चैनल से, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है मतलब कि आप टेलीग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे आपको टॉपिक स्टडी सर्च करके कुछ नहीं करना है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करिए तो आप सीधा टॉपिक स्टडी के चैनल पर पहुँच जाएंगे टेलीग्राम के, यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए टेलीग्राम ऐप, फिर उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन करिए टॉपिक स्टडी को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और इनको डाउनलोड करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आज आशा करता हूं कि आपने ये सब कुछ कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा तो जरूर कर लीजिएगा आज, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।